अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में हमें यूज़र आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे, तो उसके बाद हमें होम पेज है। यहाँ पे जो ये मेन्यूज़ वगैरह आ रहे होते हैं, तो ये सारे हमें डेटाबेस से आ रहे हैं। तो जिस डॉक्टर को जो राइट्स सुपर एडमिन देगा, तो उसी के पास वही लिंक शो हो रहे होंगे। अगर कोई अदर यूज़र है, तो उसी को ये सुपर जो है ओनली फॉर डॉक्टर्स, ये डॉक्टर के लिए मेन्यू है। अगर कोई नर्स है या लेबर असिस्टेंट है या रिसेप्शन, उसके पास ये को सम राइट्स दिए जाते हैं जो उनको सिर्फ एक्सेस करें। तो ये कैसे हो रहे हैं, तो ये हम फाइल खोलें इंडेक्स डॉट पेज पे। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाए हुए हैं जिन के अंदर ये URL कॉल हो रहे हैं। हमें इसे कॉल करने के लिए तो ये जो क्यूरी है राइट्स की, जो हमारी हॉस्पिटल हेल्थ एक्टिविटीज़ के जितने भी URL हैं उनको एक्टिव कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्यूरी लगाने के बाद चेक किया है कि अगर राइट्स हैं तो शो कराओ, अदरवाइज डिसेबल कर दो। तो ये टेबल है जो हम डॉक में शो हो रहा होगा, उसमें जो हमने ये गेट कॉल करा रहे हैं टेबल का, और ये राइट्स हैं वो इस फॉर्मेट में शो हो रहे हैं, ये इमेज विथ URL। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे हमें अकाउंट सेटिंग वगैरह, पेशेंट सेड क्यू, तो ये सारी चीज़ें हमें शो हो रही हैं वाया राइट्स। तो अगर आप इन पे क्लिक करोगे, अगर हमें राइट्स नहीं होते तो ये मेन्यूज़ वगैरह हमें शो नहीं हो रहे होते। ओनली अगर वन राइट हो राइट होता तो वो यही वन मेन्यू शो हो रहा होता। तो ये था कि कैसे हम पे मेन्यूज़ वगैरह कॉल करवा रहे हैं। थैंक यू।